अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सुमहरा सखीर और धनक सुप के सारे रंग ए प्लस के संग में आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद, जानू एंड वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज जैसा कि जुम्मा है यानी वीक का आखिरी डे है, आखिरी वर्किंग डे है, बाज़ुकात सैटरडे भी आखिरी वर्किंग डे होता है लेकिन मोस्टली फ्राइडे को आखिरी वर्किंग डे माना जाता है। और वीकेंड जनाब आ चुका है, यानी आज आखिरी दिन जब होता है ना तो बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, बहुत ही एक दिल खुश हो रहा होता है कि चलो ठीक है आज हम ऑफिस चले जाते हैं, आज हम काम काज पर चले जाते हैं, आगे तो छुट्टी आने वाली है, आगे तो हम मौजें करेंगे। और वीकेंड पे प्लान कर लिया जाता है फ्राइडे को कि अच्छा क्या डिशेस बनेंगी, कहाँ कहाँ जाना है, किस होटल में हमने खाना खाना है या बच्चों को कहाँ लेके जाना है, सारी प्लानिंग्स जो हैं वो हो जाती हैं। अच्छा तो वीकेंड पर हम ये प्लानिंग्स तो होती रहती हैं साथ में, लेकिन एक और प्लानिंग भी होती है, वो लोग वो करते हैं जो कि अपनी डाइट का खास ख्याल रखते हैं और वो पूरा हफ्ता जो है वो एक डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, लेकिन जब वीकेंड आता है तो वो कहते हैं अच्छा अब तो मेरा चीटिंग डे आ गया है, अब मैं खा सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा। तो उनके लिए भी खुशखबरी है, मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत खुश खुश हैं, मुझे अभी भी मुस्कुराहट है क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ आप सबको, लेकिन मैं जानती हूँ कि खुशी जो है वो मुझे नज़र आ रही है चेहरों पर, और तो मेरे दिल की आँख है तो मैं दिल की आँख से आप सबको देख रही हूँ। तो जनाब जब वीकेंड आता है तो हम जब सैर पर भी जाते हैं ड्यूरिंग ड्राइव आई हैव सीन दिस कि बहुत ज़्यादा रश की वजह से ना कभी कभी टेम्पर जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, और फिर जब गुस्सा आता है तो फिर क्या होता है, झगड़ा होता है जो कि नहीं होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मौसम भी गर्म है तो दिमाग भी गर्म हो जाता है जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए आज सबसे बड़ी और सबसे पहली एडवाइस जो है इस प्रोग्राम के हवाले से, इस प्रोग्राम के तवासुत से मैं आपको देना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें और अपने गुस्से का ख्याल रखें। जानती हूँ गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुझे भी आ जाता है, लेकिन हमें कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि जब आप गुस्से को पी जाते हो तो वो सबसे बड़ी आपकी कामयाबी होती है। बर्दाश्त करना, गुस्से को बर्दाश्त करना, उसको पी जाना सबसे बड़ी कामयाबी होती है। आपको बताऊं कि हमारी इस पूरी दुनिया में हमारी कायनात बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत प्यारी है, और जब आप प्यार और मोहब्बत से रहते हैं ना तो ये मज़ीद हसीन बन जाती है, मज़ीद खूबसूरत बन जाती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि दुनिया में एक ऐसा बिच्छू पाया जाता है जिसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में अपने आप को काट लेता है, और अपने आप को काट के वो अपना जहर खुद में जो है वो कर लेता है, उसमें अब्सॉर्व कर लेता है और उसके बाद वो मर जाता है। ये है गुस्से की पहचान कि इतना गुस्सा आया तो खुद को काट लिया और फिर उसके बाद मर गया। तो जनाब ये बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब आप गुस्सा करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं, किसी दूसरे का कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुँचा रहे। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें, बर्दाश्त कीजिए, अपने अंदर बर्दाश्त का जो मादा है वो आप पैदा कीजिए, और यकीन मानिए जब आप बर्दाश्त लाते हो अपने अंदर तो बहुत ही अच्छा अच्छा फील होता है और बहुत ज़्यादा आप हैप्पी भी फील करते हो, क्योंकि जब किसी में बर्दाश्त आ जाती है ना तो उसको पता होता है कि इंसान मुझे कुछ भी कह दे, कोई इंसान मुझे कितना भी प्रोवोक कर ले, किसी चीज़ पे उकसा ले, मैं जानता हूँ कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं कितना कूल हूँ, तो मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। क्योंकि जब वो बर्दाश्त करते हैं, अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हैं, अपने रवैये में वो तब्दीली लाते हैं, अपने आप को सुकून में लाते हैं, तो तब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली वो सही हो जाती हैं। और जब सही सब कुछ होता है तो दिन भी अच्छा होता है, ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती है, और मूड तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। लेकिन इन सब की, क्योंकि ये सब चीज़ें रिलेटेड होती हैं, जैसे हम एहसास की बात करते हैं तो ये सब रिलेटेड होते हैं, सब जज्बे जो हैं वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हो ना तो आप किसी का दिल टूटने से आप बचा रहे होते हो। तो वेल जनाब अगर आप हमसे कोई बातें शेयर करना चाहते हैं, कुछ दिल टूटने के बारे में बताना चाहते हैं या गुस्से के बारे में बताना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप फिर ऐसा कीजिए कि जल्द जल्दी से हमें नंबर डायल कीजिए, हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि क्या क्या कहना चाहते हैं आप हमसे, और हम आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो एक बेहतरी है, एक सुकून है, वो कैसे लाया जा सकता है। अच्छा बाज़ुकात हम ये भी बात करते हैं कि अच्छा उसने मेरा दिल दुखा दिया, उसने ये बात कही थी, मुझे यहाँ असर कर गई और मेरा दिमाग घूम गया और बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना अच्छा फील नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को हम इस तरह से कवर कर सकते हैं कि हम लोगों को बताएं कि जनाब आप जब किसी का दिल दुखाते हैं वो आप
इंटेंशनली नहीं दुखाते, आपका इंटेंशन नहीं होता कि आप किसी का दिल दुखाएं, लेकिन हो जाती हैं चीज़ें जब कभी गुस्सा आ जाता है, जब थोड़ा सा रूड आप बिहेव कर लेते हैं, तो फिर अगले बंदे को लगता है ओ ये मुझे जो है वो थोड़ा प्रेशराइज कर रहा है, मेरे पे फोर्स डाल रहा है, दिस इज़ नॉट गुड। इसलिए जब आप थोड़ा सा मीठा अपना लहजा रखते हैं, थोड़ी सी मीठी ज़ुबान रखते हैं, तो यकीन मानिए उस बंदे का जो है वो दिल जो है वो साफ़ हो जाता है, उसका दिल टूटने से बच जाता है। अच्छा मैं आपको एक वाक्या बताती हूँ, हुआ कुछ ऐसा कि हमारे ऑफिस में ना एक साहब थे जो बहुत गुस्से वाले थे, मतलब ये कि उन्हें गुस्सा आता नहीं था ज़्यादा, लेकिन उनकी पर्सनालिटी जो था वो एक पूरी उनकी रौब दबदबे वाली पर्सनालिटी थी, और जब भी वो किसी के सामने जाते थे तो ऐसा लगता था कि उफ़ अभी डांटेंगे। लेकिन हकीकतन अगर आप उनसे बात करें तो वो इतने माशाल्लाह से अच्छे इंसान थे, वो इतना प्यारा बोलते थे कि आपका दिल करता था कि अच्छा बस मैं इनको सुनता जाऊँ और उनके पास बैठता रहूँ। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब वो बोलता है, जब गुस्सा आता है, तो फिर कुछ जो है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गुस्से में हमें कुछ ध्यान नहीं रहता। यानी आपको लगता होगा मैं आपके सामने हूँ तो मैं इतना स्वीट सा बोल रही हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आ सकता, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना पड़ता है, और जब आप कंट्रोल कर लेते हो वो सबसे बड़ी आपकी कामयाबी होती है। और जी बिल्कुल हमारे साथ रमशा हैं लाहौर से, तो रमशा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा रमशा आपने टीवी का जो वॉल्यूम है आप वो ज़रा आहिस्ता कर लीजिए। रिमशा, अच्छा रिमशा मुझे बताइए कि आज का दिन का जो आगाज़ है वो किस तरह से हुआ और क्या कर रही हैं आप? हेलो रमशा कैन यू हेयर मी, आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे बताइए रमशा कि आज का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? बस अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, बहुत आज का दिन तो बहुत बोरिंग गुजरा। अच्छा जी रमशा मुझे अभी भी आपकी ना टीवी की आवाज़ आ रही है, तो अच्छा मुझे बताइए आप क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी, मैसेज क्या देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप, मैं दूसरों को ये मैसेज देना चाहती हूँ किसी का दिल ना दुखाएं, समझे आजकल के लोग बहुत ज़्यादा दूसरों का दिल दुखाते हैं। अच्छा ये बिल्कुल आपने सही बात की, तो रमशा आप वैसे क्या करती हैं? मैं घर में होती हूँ, वैसे स्टडी कर रही थी, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, इसलिए ज्यादातर घर में होते हैं। ओह अल्लाह आपकी वाला को जो है वो सेहत कामला अता फरमाए, और मुझे बताएं आपको शो कैसा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है देखने में? जी बहुत अच्छा आपका शो, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। चलें जी रमशा बहुत शुक्रिया। अच्छा कोई सजेशन देना चाहोगे आप, हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो आपको मज़ीद अच्छा लगे इस प्रोग्राम में? बस जी अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएं, अच्छे अच्छे बातें करें। बिल्कुल जी रमशा, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएं, अच्छी अच्छी बातें करें। थैंक यू सो मच रमशा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी अम्मा का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। जी तो रमशा थी हमारे साथ, और रमशा ने कितनी प्यारी बात कही कि दिल नहीं दुखाना चाहिए। जी बिल्कुल दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो मुझे बाबा बुल्ले शाह का ना एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर इस टाइम याद आ गया, वो कहते हैं कि मस्जिद टा दे मंदिर टा दे जो कुछ टेंदा एक बंदे दा दिल ना टावी, एक बंदे दा दिल ना टावी रब दिला विच रहंदा। जी बिल्कुल जो अल्लाह है वो हमारे दिलों में रहता है, और दिल बहुत ही मासूम चीज़ होती है, इसलिए हम सब कहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना, कोई ऐसी बात नहीं कर देनी जिसकी वजह से किसी को बुरा लग जाए, कोई बुरा मान जाए। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये जो सबसे मासूम चीज़ दिल होता है ना, यही सबसे बड़ी गड़बड़ करता है। हम लोग जो इंसान है ना, वो डेफिनेटली दिमाग से हम बहुत सोचते हैं, लेकिन हम बात किसकी सुनते हैं? दिल की। यानी सोचेंगे यहाँ से लेकिन करेंगे किसकी? दिल की। और ये अक्सर होता है, हम अगर बिजनेसमैन को भी देख लें, अच्छा बिजनेसमैन जो है वो दिल की नहीं सुनते, वो दिमाग के सुनते हैं, वो तो कैलकुलेशंस पे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि अच्छा मैं ये करूँगा तो मुझे कितना फ़ायदा होगा, कितना बेनिफिट आएगा, क्या मेरी प्रोग्रेस है, क्या मुझे मिल रहा है, सब वो इस तरह से करता है। लेकिन जब मैं स्टडी कर रही थी, जब मैं हमारे बिज़नेस में हमें एक टॉपिक पढ़ाया जाता है सेल्स का, और सेल्स का मकसद क्या होता है कि ख़रीदना और बेचना, आप कोई चीज़ बेच रहे हो, आप कोई चीज़ खरीद रहे हो। तो इसी तरह से हम देखते हैं जब आप सेल्स में बात करते हो तो हमें लगता है कि शायद हमें चीज़ बेचनी होती है, हमें कुछ
जो है वो सेल करना होता है, लेकिन सेल में हमें एक बात स्पेसिफिकली सिखाई जाती है और वो ये सिखाई जाती है कि आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को सुने, उसकी बात सुने कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये ड्रेस जो मैंने सायरा अटालिया का पहना हुआ, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अगर मुझे ये ड्रेस सेल करना है तो डेफिनेटली मैं अपने कस्टमर के पास जाऊंगी, मैं कहूंगी ये बड़ा अच्छा ड्रेस है, कलर बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन वो ऐसे नहीं लेगा, उसको समझाना पड़ता है। इसी तरह ज़िंदगी में हमें अपनी ज़िंदगी में समझाने को, किसी की बात को सुनने को ज़रूर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सुनते हो लोग उतना ही आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो अभी हम आपको मज़ीद कुछ बातें बताएंगे, कुछ मज़ीद गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं शेफ अनम के साथ, और अनम क्या बनाने जा रही हैं आज, क्योंकि जब तक हम कुछ खाएं पिए ना और जब कोई रेसिपी शेयर ना की जाए तो ये प्रोग्राम तो मुकम्मल सा लगता है। बिल्कुल, आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो सबको पसंद होती है, बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी की वो फेवरेट होती है। तो आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ पैटी बर्गर्स बना रहे हैं, और आप जो है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि जब अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसके अंदर जो है वो ढेर सारी वेजिटेबल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चों को पता नहीं चलेगा कि आप बर्गर पैटी के अंदर उनको क्या खिला रहे हैं। और आपको पता है बच्चों के लिए चीज़ जो है वो बड़ी अच्छा एक कॉन्टेंट है, तो वो चीज़ भी हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे, और सिंपल साथ में क्योंकि बर्गर्स के साथ फ्राइज तो फिर आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री जरूरी है, तो वो फिर बनाएंगे इसके साथ। मैं आपके साथ एक क्विक रेसिपी शेयर कर देती हूँ। सिंपल हम चिकन का कीमा लेंगे। अच्छा, मीट की यहाँ पे चॉइस जो है आपकी पर्सनल है, आप चिकन बीफ या सी फूड में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी सोया सॉस और चिली सॉस जो है हम डालेंगे, और अच्छी तरीके से जो कीमे को मैरिनेट कर देंगे। और आप अगर आपके पास टाइम है तो हाफ एन आवर के लिए आप कीमे को छोड़ दें, और उसके बाद आप इसकी पैटी बना लें। अच्छा, सुमेरा एक इसका सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप इस पैटी को जो है वो फ्रीज भी कर सकते हैं, लाइक फॉर वन मंथ, और जब आपका दिल करे। क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई एम अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, सो बाजू का जब फ्रीज की हुई चीज़ें होती है तो मैं कहती हूँ नहीं, स्पेसिफिकली बच्चों को नहीं देनी चाहिए, या ऐसे लोग जो हमारे बुजुर्ग होते हैं फैमिलीज में उनको नहीं देनी चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल सेफ है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये है कि ये क्विक, जब आपके पास ये पैटी बनी होती है तो अगर आपके पास बर्गर बंस अवेलेबल है, या बर्गर बंस भी नहीं अगर आपके पास अवेलेबल, तो आपने इसको टॉर्टिला रैप के अंदर अच्छे तरीके से रैप किया, मतलब इस पैटी को आप बहुत से डिफरेंट वेरिएशन के अंदर जो है को कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिंपल उसके बाद हम इसकी एक सॉस रेडी करेंगे, जो मायोनीज और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ी शुगर और थोड़ी केचप के साथ। वी नीड टू ऐड शुगर एज वेल। हां, थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। दैट्स न्यू टू मी। हां, और उसके बाद अच्छी तरीके से उसको मिक्स करेंगे और असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। असेंबलिंग के लिए सबसे पहले हम सलाद सैलड लीफ की एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद पैटी हम सेट करेंगे। अच्छा, जब पैटी बना लेंगे तो जब वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो हम उसको फ्राई पैन के अंदर ही मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस रख के उसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, ताकि चीज़ जो है अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अनम, ठीक है, ये आप स्टार्ट कीजिए, हम साथ साथ दिखाते रहेंगे अपने देखने वालों को किस तरह से इसको बनाया जाता है। थैंक यू सो मच, आप कीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन जनाब, इससे भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और वो होता है ख़वातीन का। और बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक फिक्र होती है कि आज मैंने क्या पहनना है, मैं क्या करूँ, किस तरह से अपने आप को जो है रिप्रेजेंट करूँ, तो कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मैंने सायरा अटालिया का ड्रेस पहना हुआ है, और उनको बुलाएंगे हम, सायरा रिजवान को, और डिस्कस करेंगे कि आज जो समर के जो कपड़े होते हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी बुलाते हैं सायरा रिजवान को। बिल्कुल ठीक ठाक है आपका? माशाल्लाह, इतना प्यारा कलर आपने पहना हुआ है, सो सूदिंग। या वेरी सूदिंग टू आईज आल्सो, एंड गर्मी में भी बहुत ज्यादा अच्छा।
लाइट सा है, पेस्टल सा, पीच कलर। आई लव्ड इट। अच्छा मुझे सायरा, आज हम बताते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी डिस्कशंस कर ली हैं और हमने जो पिछले प्रोग्राम में एक बात नोट की थी आपके ड्रेसेस के बारे में कि दे आर क्वाइट अफोर्डेबल, कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस जो हैं वो सायरा की होती हैं, और ये बहुत एक कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस जो होती हैं वो होती हैं सायरा की। तो सायरा मैं आज जानना चाहूँगी कि आज डेफिनेटली हम चलते हैं रैक की तरफ, हमारे पास समर ड्रेसेस हैं। एग्जैक्टली, आज हम समर ड्रेसेस लेकर आए हैं। कॉटन सॉलिड्स भी हैं इसमें, लाइट कलर्स भी हैं, चिकन का फैब्रिक है, लॉन फैब्रिक है, शिफॉन है। आप जो देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अभी ये ईद के लिहाज से और समर सीजन, दिस इज वेरी लेमन येलो और चिकनकारी एम्बेलिश्ड हुआ है विद, और गर्मी में ये बहुत exactly. मजे के लगते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखो ये डिनर वेयर, लंच वेयर आजकल ये यही चल रहा है, और पाकिस्तान का सीजन ऐसा है, गर्मी अभी 8 महीने रहने वाली है। अभी वैसे भी हमें लग रहा है कि मौसम अच्छा है, अभी बारिश हो गई है, देयर आर क्लाइमेट चेंजेस, बट स्टिल अगर आप देखें तो आप बहुत ज्यादा हैवी कपड़े नहीं पहन सकते। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्लोथ्स जो आजकल जो है ना एवरीवन वुड लाइक टू वेयर, और ड्रेस एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली ये देखें बड़ा मजे का लगाया हुआ है, बड़ी अच्छी सी कलरफुल पैच है फ्लोरल्स के साथ, और प्रेस गोटा हुआ है लखनऊई का कॉटन का फैब्रिक है ये, और ये जो स्टिचिंग डिटेलिंग है and it comes with a अच्छा डिटेलिंग तो बहुत काम किया हुआ है, बहुत डिटेल से जो है वो इसे डिजाइन किया गया है और हर चीज का जो है वो ध्यान रखा गया है। सो ब्यूटीफुल, सो इट कम्स विद दिस ऑर्गेंजा दुपट्टा, और ये देखें ये कितना प्यारा है। अच्छा इसकी प्राइस क्या है जी? एक्चुअली ये 3 पीस है और 15,000 का ये, बिकॉज़ यू नो इट कॉस्ट अ लॉट, बिकॉज़ आपने देखा है एक्चुअली प्रेस गोटा है इंडियन फैब्रिक्स और लाइनिंग के साथ विद इंसर्ट्स, लेस इंसर्ट्स है, इसी तरह में एक वाइट है, वाइट भी समर में बहुत ठंडा इफेक्ट देता है, और इसके भी ये जी और पर्ल्स एम्बेलिशमेंट्स के साथ अगेन विद दिस लेस इंसर्ट्स ऑर्गेंजा दुपट्टा। इसके बारे में बताइए, व्हाट इज दैट? ये प्रेस गोटा का काम कहलाया जाता है और ये लखनऊ चिकन भी कहलाती है। देखिए शेडो वर्क है ये सारा शेडो वर्क है, पूरा ये हाथ का काम बना हुआ है। सही, प्रेस गोटा एंड दिस ऑल द डिटेलिंग दैट यू कैन सी, और फिर उसके बाद हमारी स्टिचिंग डिटेल्स आ जाती हैं इसके अंदर। तो पाकिस्तानी कपड़ा और जो हैंडवर्क है, हैंडक्राफ्ट हमारा है ये कि इट ओनली इज बेस्ड ऑन योर हैंडवर्क, तो इसकी बहुत डिमांड है हमारी वर्ल्ड वाइड। अच्छा, दिस इज़ अ ट्रेंडिंग नेक लाइन दीज डेज अगेन विद फ्लोरल प्रिंट्स और लॉन्ग सिल्वेट आजकल दोबारा चल पड़े हैं। मैं चाहती थी कि मोस्टली आपने मुझे दिखाएं जी, 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 लॉन्ग कमीजें हमें देखने को मिल रही हैं। कमीज ये जो सारा मैं अभी लेकर आई हूँ, दिस आर मतलब फुल लेंथ ये कमीज है, और इसके यहाँ पे आजकल नेक लाइन ये ट्रेंडिंग है विद लेसेस ऑफ इंसर्ट्स एंड फ्लोरल प्रिंट्स, नियॉन कलर्स भी बहुत इन है साथ में। Actually, again, this one is a it's a beautiful color. जी, येलो विद एम्ब्रॉयडर्ड एंड मस्टर्ड है ये साथ, चिकन का फैब्रिक है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट है 50 लेंथ की, और मतलब ये गर्मी और वर्क वेयर भी बहुत ज्यादा। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 5,000 है। दिस एग्जैक्टली दिस कुर्ता ओनली, और चिकन है ना? जी जी, चिकन है, चिकन फैब्रिक आपको पता है खुद ही वो एक्सपेंसिव होता है। अगर आप वैसे भी बाजार में लेने जाएं तो चिकन जो है वो एक्सपेंसिव मिलती है, सो उस लिहाज से, क्योंकि ये स्टिच है, ये अनस्टिच नहीं है। अगर हम स्टिच भी लेते हैं तो वही हमें 5-6 या 7,000 का पड़ जाता है। हां, बिकॉज वो आप तो एक बना रहे होंगे तो डिटेलिंग वुड यू नो डू अ लॉट इसमें। दिस इज माय फेवरेट कलर। एग्जैक्टली, ये देखिए ये पिंक फ्लोरल्स के साथ हमेशा से कमाल। जी जी जी, इसमें आपने इंसर्ट्स विद द प्रिंटेड फैब्रिक के साथ, हमने चिकन इंसर्ट्स एंड लेस इंसर्ट्स, एंड देन मेरा जो स्टाइल है कि एक हम लोग जो है ना कोई ऐसी चीज रखते हैं ड्रेस में जो आपके स्टेटमेंट पीस हो, एंड इट अगेन कम्स विद दिस दुपट्टा, उसके भी यहाँ पे इंसर्ट्स लगे हुए हैं और शिफॉन। एक्चुअली ये वर्क वेयर वर्किंग लेडीज के लिए ये बहुत अच्छा है आजकल की गर्मी में, आप कहीं खाना खाने बाहर जाते हो तो उसके लिए भी यू कैन वेयर इट। अच्छा, हम अपने देखने वालों को बताते चलें कि सायरा से आप रابطہ कर सकते हैं, इनकी आउटलेट भी है एम्पोरियम में है मेरे ख्याल में, एम्पोरियम मॉल में और सेंट टॉरस। ओके, सेंट टॉरस में है, यू कैन कॉन्टेक्ट, और सायरा को आप ऑनलाइन भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर जो है वो आ रहा होगा हमारे स्क्रीन पे। जी सायरा, अच्छा ओके, दिस वन इज एक्वा कलर,
ठीक है, सारे मैंने आपको दिखे तकरीबन लाइट पिंक्स, येलोज एंड ये एग्जैक्टली, इसमें भी पर्ल्स का एम्बेलिशमेंट है और नेट फैब्रिक के साथ, जैसे लाइलिक कलर है और एक्वा कलर है, कॉटन नेट और पर्ल्स के स्लीव्स हैं। एक्चुअली यू नो समर इज ऑल अबाउट दिस, के डिटेलिंग हो, लाइट कलर्स हो और ठंडे ठंडे से कूल सूदिंग कलर्स हो। हाँ नहीं सारा, ये बहुत खूबसूरत है और माशाल्लाह से जिस तरह से आपने नेट का यूज किया है, ये बहुत ही मजे की चीज है। दिस इज अमेजिंग। अच्छा नाउ दिस वन इज अ न्यू अराइवल, आजकल बहुत ही अभी ये ट्रेंडिंग चल रहा है क्योंकि ये हमारा ईद कलेक्शन अभी आया है ईद उल अज़हा के लिए। तो इसमें हमने ये देखें ब्रोशियर शिफॉन पे काम हुआ हुआ है, हैंडवर्क है इसके नेक पे, इट्स अ थ्री पीस एंड इट अगेन कम्स विद द दुपट्टा जिसमें इसके बॉर्डर्स वगैरह भी हैं एंड लेस इंसर्ट्स है, सो वेरी कंफर्टेबल टू वेयर ऑन ईद। कि आपका एक फॉर्मल एग्जैक्टली बैक डिटेलिंग भी है इसमें। हाँ तो ये ईद के लिए बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ आजकल, फ्लोरल्स हो गए प्योर फैब्रिक्स के साथ। हाँ। के आपके ईद में देखें, बकरा ईद पे काम भी करना होता है, किचन में लेडीज तो ज्यादातर रहेंगी बट स्टिल दे हैव टू लुक गुड, तो एक ऐसी चीज पहननी चाहिए जो यू नो एनवायरमेंट क्लाइमेट फ्रेंडली हो आजकल के। ये देखें जी, हाँ जी, ये कितना बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा सूदिंग टू द आईज है। अच्छा इनके स्लीव्स पे जो है ना ये देखें इलास्टिक डिटेलिंग है। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आप सबके लिए है सरप्राइज। वे में ते शक ना कीता कर, मेरा मौला जानता, मेरा मेरा
माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल अल्लाह जानते हैं कि आपकी आवाज़ में वो एक यकीन मानिए ऐसा था कि हम खो गए थे। ओह थैंक यू। और आपको बताते चले कि तारुफ के बिल्कुल मोहताज नहीं है, अली अब्बास साहब ने हमें एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इतनी सुबह सुबह आपने बुलाया और बड़ा मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह आपसे मुलाकात हुई है, आप बड़ी प्यारी पर्सनालिटी है आप माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तो कहूँगा आप सिंड्रेला हैं। थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ आप आइए, हम बैठ के मज़ीद बातें करते हैं। इसके साथ साथ हमें डॉक्टर जवैया ने भी ज्वाइन किया है, कल भी हमारे साथ ही न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, हम उनकी तरफ भी आएंगे। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, माशाल्लाह से अल्लाह ने आपकी आवाज़ के अंदर वो कहते ना वो खासियत है कि जो सुनने वो सुनता जाए। थैंक यू। तो मैं जाना चाहूँगी सफ़र आपका, हम जानते हैं कि 2008 में हमें एक रियलिटी शो में आप नज़र आए थे सरहद के पार, और तब हमें पता चला था, मैं खुद बहुत शौक से वो रियलिटी शो देखती थी। उसके बाद से मैं जाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले का जो सफ़र है वो भी जानना चाहेंगे कि कहाँ से। मेरा एक ताल्लुक फैसलाबाद से है, हमारा एक फोक घराना है, हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी में जो म्यूज़िक चलता आ रहा है, नाना अबू से, दादा अबू से, और मामू, फिर आगे कज़न्स, भाई, सारे बस माशाल्लाह म्यूज़िक में ही हैं। और जर्नी वाज वेरी गुड, बहुत ही एक स्पेशली कहते हैं कि एक म्यूज़िक फैमिलियों का कहीं ना कहीं जाके यही होता है कि उन्होंने इसी तरफ आना होता है। लेकिन मैं कह लें कि बड़ा थोड़ा सा हमारी फैमिलियों में मैं नील बचा था, और मुझे इतना वो मेरे टैलेंट नहीं था, लेकिन मुझे फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश की, और स्पेशली अम्मी माँ बाप की दुआ से, वो चाहते नहीं थे अम्मी स्पेशली कि आप ना ही गाओ, लेकिन फिर भी मैंने उनकी दुआ से कोशिश की, और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें फिर पॉसिबल होती गई। इस तरह से स्टार्ट रहा। दुआ जो है ना बेसिकली वो आपकी तकदीर को बदल देती है, और माँ की दुआ की तो क्या ही बात है। और यकीन मानिए मेरे ख्याल में वो जो दुआ उनके दिल से निकली थी आज वो हमारे दिलों को छू रही है। बिल्कुल है सही। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका जो आया था सॉन्ग साया रजा के साथ, जी जी बिल्कुल, तो उसके बारे में बताइए और कुछ गुनगुना देंगे अगर आपको गाना लगे तो। मैं जरूर सुनाता हूं आपको। ई माइनर कीजिएगा, ई माइनर। ये वैसे बड़ा कोइंसिडेंट था, मेरा मियां सली साहब जो इस हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के बड़े मशहूर शख्सियत हैं, उनसे मेरी सारे अली बग्गा भाई से स्टूडियो में मुलाकात हुई थी। उन्होंने फिर कहा था कि आप एक विरसा प्रोग्राम है वो हमारा करें। थोड़ी सी आपकी मैं पेश नज़र सुनाऊं। जी जी बिल्कुल सर। है ये तो गाना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं आपको भूल जाए। हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, एक तेरे दर्द के सिवा
एक तेरे दर्द के सिवा हमको तो कुछ मिला नहीं आपको भूल जाए हम। यकीन माने बहुत अच्छा माशाल्लाह। मैं यहाँ पे देख रही थी कि हम सब खोए हुए थे, हम सब एक ट्रांस पे चले गए थे। अच्छा सर, माशाल्लाह से आपने मेरे ख्याल में, क्योंकि हम तो आपको सुन रहे हैं और आप लाइव गा रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, क्योंकि आजकल के हमारे सिंगर्स जो हैं वो लाइव को परफॉर्मेंस को प्रेफर नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल में ये आपकी आवाज़ की वो चाशनी है, अल्लाह ताला ने आपको वो नवाजा हुआ है। तो आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया और सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया परफॉर्म करने में? वैसे मैंने माशाल्लाह इंटरनेशनली काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है, मज़ा हर जगह ही आता है जहाँ हमारी ऑडियंस हमें कहते हैं ना, गाड़ी पेट्रोल और आर्टिस्ट आगे जो ऑडियंस की दाद पे चलते हैं। सो हमारी हमें कहीं भी, जैसे अभी आप सुन रहे हैं हमें, मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। सो काफ़ी ऐसे मोमेंट्स होते हैं, बहुत जगहों पे परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कई मुल्कों में जाके, तो हर जगह बड़ा मज़ा आता है। इंडिया हो या लंदन हो, स्विट्ज़रलैंड, काफ़ी जगह माशाल्लाह ट्रैवल रहा है, तो बड़ा हर जगह अच्छा लगता है। लेकिन हमारे परफॉर्मेंस जहाँ भी लाइव परफॉर्मेंस करो तो फीडबैक, इंस्टेंट फीडबैक जो है ना, वो एक सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट होता है आपके लिए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। और मुझे ये बात यहाँ पे कहना ज़रूरी समझूंगी कि अली सर जो है माशाल्लाह से इन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने पाकिस्तान को नेशनल लेवल पे तो रिप्रेजेंट किया ही है, लेकिन नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है, और कोई भी तकरीब जो है वो पाकिस्तान में इनके बगैर नामुमकिन है। और बहुत सारे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में इनके इवेंट्स होते हैं, वहाँ इनकी आवाज़ को सराहा जाता है, सुना जाता है, स्पेशल जो है वो कहा जाता है कि इनके बगैर हम शो नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें ना एक कोई लाइक मैं वैसे इसको बड़ा प्राउडली कहना चाहूँगा, मेरा इंटरनेशनली भी जाके मेरा पहनावा यही रहता है। मैं इस वजह से कई ऐसी जगहों पे नहीं जा सकता, वहाँ जहाँ ट्रेडिशनल आपका जो ड्रेस वो अलाउ नहीं होता, वहाँ मैं नहीं जाता, फिर मैं घर ही रहता हूँ, अपने होटल में ही रहता हूँ। तो ऐसा रात लोग बड़ा पसंद करते हैं ये हमारा एक ट्रेडिशन, तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें इजाज़ कह लें या हमारी खुशबक्ति है कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट। और आप पे बहुत करम है कि बहुत ही छोटी उम्र में देखिए इतना आपको मिल गया, इतनी कामयाबी मिली, लोग आपको जानते हैं। तो अली, मुझे आपसे पूछना है कि आपकी इंस्पायरेशन कौन है, कौन है जिनको देख के आपको लगा कि आह मुझे इनकी तरह बनना है? वैसे मैं एक गाने से पहले मैं एक लिसनर हूँ, मैं सबको बहुत शौक से सुनता हूँ, कोई भी अच्छा जो आपके कानों को अच्छा लग रहा होता है मुझे वो। तो वैसे मैं स्टार्ट मैंने मेरे हमेशा मैं कहता हूँ मेरी इंस्पिरेशन मेहदी हसन साहब रही हैं, उनसे मैं बड़ा मुतासर था, शहनशाह गज़ल, और उनसे मैंने बहुत सीखा उनकी ऑडियो से, उनके जो कलाम से। फिर मुझे एक बार उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला, और मेरे लिए वो ड्रीम कम्स ट्रू वाली बात थी मेरे लिए। वो वहाँ इस्लामाबाद में प्रोग्राम में उनके सामने उनकी दुआ ली मैंने, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे ये इजाज़ रहा। तो मेहदी हसन साहब मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। बिल्कुल, हम उनका गाना आप तो ज़रूर सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे हो जाता है वक्त छोटी सी ब्रेक का। जी जरूर। जैसा कि आप मेरे साथ डॉक्टर जवेरा को देख रहे हैं, और उन्होंने हमें बहुत
मज़े मज़े की टिप्स दी थी। कल बताया था कि आप किस तरह से अपनी डाइट को बेहतर बना सकते हैं, आप किस तरह से हेल्दी खाना जो है हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो बना सकते हैं। और सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मैं कल भी पूछना चाह रही थी, नहीं पूछ पाई थी, आज पूछूंगी कि डॉक्टर साहिबा मुझे बताइएगा कि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और डाइटिशियन भी हैं, क्या न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन एक दो अलग अलग कैटेगरीज हैं? बिल्कुल अलग अलग है। न्यूट्रिशनिस्ट वो होता है जो कि पब्लिक न्यूट्रिशनल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों को बताया जाता है क्या खाएं क्या ना खाएं, आपकी हेल्थ के हिसाब से कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है, और आप इसको पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डिप्लोमेट्स, आप डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जाके ट्रेन करते हैं, उनको उनकी हेल्थ के बारे में उनको आगाही देते हैं। इट्स लाइक अ अवेयरनेस कैंपेन सॉर्ट ऑफ थिंग। और न्यूट्रिशनिस्ट का यही काम होता है कि वो लोगों को बताए कि जो खुराक है और ग़ज़ा है वो किस तरह से ली जाती है या किस तरह से इसके बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, मतलब आप कम्युनिटी लेवल पे, कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट को बोला जाता है। जब आप कम्युनिटी लेवल पे एड्रेस करते हैं, इवन कि जैसे हम टीवी पे बता रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसको न्यूट्रिशनिस्ट मतलब अगर आप बता रहे हैं तो इफ यू आर वेल क्वालिफाइड इन न्यूट्रिशन सब्जेक्ट तो आप ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और डाइटिशियन तो मैनेज एग्जैक्टली। चलिए जी, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमें नजर आ रहे हैं वाटरमेलन, वन ऑफ माय फेवरेट, जो हमें गर्मियों में बहुत ज्यादा मयसर होते हैं। पानी की मकदार इसमें सबसे ज्यादा होती है, लेकिन डॉक्टर साहिबा ये हमारे सामने क्या कर रहे हैं, क्या वजह है मुझे बताइए। अब देखिए कि अभी मौसम गर्मा का वक्त है, और जैसे ही मौसम गर्मा आता है तो हमारे पास गजाई मौसमी फल और सब्जियां मौजूद होते हैं। सिर्फ वाटरमेलन नहीं, आलू बुखारा है, और उसके अलावा बहुत ही मजे मजे के जो फ्रूट्स हैं वो मार्केट में आ चुके हैं और इजीली अवेलेबल हैं, हर खासो आम उसको ले सकता है। पर आज हम बात करेंगे वाटरमेलन के बारे में, इसका जो कलर है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कितना लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं रात के टाइम नहीं खाना चाहिए, या किसी टाइम होता है कि दिन के कौन से औकात में। तो नंबर वन, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। इसमें 80-90% फाइबर पाया जाता है, 90% वाटर पाया जाता है। वाटर कंटेंट इसका बहुत हाई होता है। अच्छा, फाइबर एंड वाटर दोनों चीज़ें बॉडी को रिप्लेनिश करती हैं, क्लींस करती हैं और बहुत खूबसूरत करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है एक ह्यूमन हेल्थ के लिए कि जो मौसम गर्मा है इसमें आप इसको डिफरेंट तरह से ले सकते हैं। आप इसको पुदीने के साथ ले सकते हैं, आप इसको अपने सैलड्स में ऐड कर सकते हैं, बीन सैलड बना सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो वाटरमेलन कूलर ड्रिंक्स होती हैं कि आपने थोड़ा कुछ बर्फ लेके मिंट लीव लेके आप इसमें अगर कोई फ्रूट ऐड करना चाहें तो आप मिक्स कॉकटेल टाइप भी बना सकते हैं। अच्छा, वाटरमेलन की जो अफादियत और खसूसियत है वो बेसिकली जिस्म को ठंडा करती है, बॉडी को अल्कलाइन करती है, और अगर बॉडी एसिडिक है, लाइक बहुत गोश्त खाते हैं या आप लोग अगर इस तरह की बॉडीज होती है ना कि जो स्वेटिंग होती है या स्मेल होती है आप उसमें, तो क्योंकि गर्मियाँ है, डिहाइड्रेशन भी होती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जो लोग गर्मी में काम कर रहे हैं उनको भी, तो अल्लाह ने हमें इस मौसम के हिसाब से एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये ग़िज़ा से तोहफा दिया है। हाँ बिल्कुल, बताइएगा क्योंकि जब हम कोई चीज़ ज़्यादा मकदार में लेते हैं या उसको अपनी आदत बना लेते हैं तो वो नुकसानदेह भी होता है। तो मुझे बताइए वाटरमेलन का इस्तेमाल जो है स्पेसिफिकली हम बच्चे बड़ों हर एज ग्रुप की बात करेंगे, अगर उन्हें आदत हो गया, रोज़ खाते हैं, रोज़ सुबह उठ के शाम को या कभी भी खाते हैं, तो क्या वो ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है? देखिए कि जैसे मैंने बताया कि बेसिकली इसमें वाटर कंटेंट और फाइबर है, पर ये जो रेड कलर आप देख रही हैं ये लाइकोपीन इसको कहा जाता है, कलर इसको बोलते हैं फूड बाय कलर। अच्छा, लाइकोपीन एंटी कैंसरस है। देखिए एक तरह से अगर मेंटली तौर पे, दिमागी तौर पे सोचा जाए, जब हम फूड बाय कलर लेते हैं ये थोड़ा सोच के कि इसके हमारा जो अगर कोई बॉडी में डिजीज बीमारी है या कोई टॉक्सिन है वो रिमूव हो जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो कितना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हाँ ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि कहते हैं कि तरबूज के ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, या इसके औकात का समझ या वादी हो जाता है या तबीयत खराब होती है या पेट खराब होता है, तो ऐसा बिल्कुल होता है। पर डिपेंड करता है कि आपने इसकी अमाउंट कितनी ली है, कितनी आपने, तो ऑलरेडी पानी है ना। हाँ, ऑलरेडी पानी, बिल्कुल बिल्कुल 70-90% बिल्कुल पानी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर ये ले रहे हैं फिर आप साथ पानी का इस्तेमाल ना करें, और दूसरा आप काले नमक के साथ ले सकते हैं, डिफरेंट तरह से ले सकते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन आप अच्छी करें। देखिए स्पेशली खसूसी माओं को मैं पैगाम देना चाहती हूँ, आप बाउल स्टिक मिलती है, बिल्कुल राउंड बाउल्स होते हैं, उसके साथ आप इसके क्यूब्स बना सकते हैं। आप इसको डिफरेंट जो बच्चे हैं उनको डिफरेंट शेप्स में दें, ताकि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर देखने में अच्छी लगती हैं तो यू जस्ट लव टू ईट,
तो हमारे सामने पड़ा हुआ है, बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम खा लें इसको। डेफिनेटली ईद है। बिल्कुल। चलिए जी, डॉक्टर साहब आपने ये बता दिया मुझे, बहुत सारी डिस्कशन हम और भी करेंगे, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि बैठते हैं कुछ बात, बैठ के भी हम कुछ बातें करते हैं। प्लीज हैव अ सीट। बिल्कुल जी। अली मुझे आप बताइए, क्योंकि मुझे लगता है आपको भी वाटरमेलन पसंद है। जी मुझे अब ज्यादा हो गया है। अब ज्यादा हो गए क्योंकि डॉक्टर साहब ने इतनी तारीफें की हैं, कुछ खाना पड़ेगा। तो जी हम प्रोग्राम के बाद जो है वो जरूर खाएंगे। अच्छा अली मुझे बताइएगा, अभी हम मेहदी साहब की बात कर रहे थे, शहनशाह कसल की बात कर रहे थे, क्या ही नाम है और क्या वो बड़े लोग थे माशाल्लाह से। उनका गाना भी मैं आपसे सुनना चाहूंगी और एक एडवाइस लेना चाहूंगी आपसे। एक मैं इंटरव्यू कर रही थी, किसी ने मुझे कहा कि गाना जो है ना, इसका मतलब होता है कि गाना गाओ, और जिसको नहीं आता ना उसके लिए ये बहुत बड़ी एक ये कह लीजिए वो चीज़ है कि गाना नहीं आता, गाना ना गा। अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा शरारती सा सवाल है, आजकल जो हमारे न्यू यंगस्टर्स आ रहे हैं जो गाना गा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, गाना या गाना? नहीं वो रुक सुनेंगे तो नहीं, वो गाएंगे ही। मैं वैसे अप्रिशिएट करता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा हमारी जो यंगस्टर जो आ रहे हैं वो बहुत ही थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो जल्दी नाम बनाना चाहते हैं, वन नाइट स्टार वो वाला वो चाहते हैं। मैं नहीं कहता, अल्लाह काम के काम का क्या पता है, एक रात में सितारे भी बन जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप, अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है अपनी मेहनत जारी रखिए, और फिर रूट्स होते हैं आपके, आपके पाथ होते हैं कि आपने किस रास्ते को चुना है, किस तरह का म्यूज़िक चुना है, स्पेशली ये भी होता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस किस म्यूज़िक के लिए बनी है, और आप कुछ कर कोई और म्यूज़िक रहे होते हैं, तो ये बड़ा, अगर ऑन टाइम आपकी चीज़ें उस मुताबिक चली जाएँ पहुँच जाएँ तो वो फिर प्यारे से चेहरे हैं, प्यारे से लोग हैं सामने, सबको डेडिकेट करता हूँ। प्यार भरे तो शर्मीले मैं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्मा, जैसे मुझे तड़पाए प्यार भरे तो शर्मीले फिर काबले हो रहे। दिल ये कहे कि मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, ऐसा ना हो जब भी तेरा नाम लबो पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, जैसे मुझे तड़पाए प्यार भरे
दो शर्मी में सो अमेजिंग. मेरे ख्याल में हमें आपकी आवाज से प्यार हो गया. बहुत सारे आपके फैंस स्पेसिफिकली खवातीन जिनको आवाज से क्या वो पीछे पड़ जाते हैं. मैं सोच रही हूं कि लाइव इतना जबरदस्त इनका माशाल्लाह और है कि इट्स सो ब्यूटीफुल एंड मैजिकल टू. बिल्कुल. लेकिन हम बगैर देर किए एक और गाना सुनना चाहेंगे. मैं जरूर जैसे कि कभी आ मिल सावन वो हो जाए तो कमाल हो जाए. अच्छा जी बिल्कुल जी. ओए होए तुसी रोना चाह रहे हो मेरे ख्याल. एफएफ मेजर ई है ये कदी आमिल सावन. मौसीकी दिल का सुकून है वो मतलब वैसे ही फीलिंग हो रही है. फरमाइश भी आई है. एग्जैक्ट फरमाइश आई है आपके. ठीक थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी. तीन चीज़ें आपस में लड़ रही होती हैं. औरतें नहीं चीज़ें अकल कहती मैं सब तो वड़ी ते मैं विच कचहरी लड़. अकल कहती मैं सब तो वड़ी मैं विच कचहरी लड़ती. दौलत कहती मैं सब तो वड़ी ते मेरा खलकत पानी पर हुसन कहता मैं सब तो वड़ा ते मेरी दुनिया ज़ियारत कर दे. तकदीर क्या तुसो तिन्नों झूठे मैं जो चावां सो कर. इटा सारियां पठेरे विच बनी कोई अव्वल कोई दोम कोई खराब बन गई. एक जाल लगी विच नाड़ियां दे एक मस्जिद जाके मराब बन गए. एक जाल लगी कुली फकीर दिन एक महला दा जाके शबाब बन गए. दायम लिखिया तकदीर दा कौन रोके कोई सवाल बन गई कोई जवाब बन गई. साजन प्रीत लगा के तू मत जा बसो हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला कदिया मिल सांवर यार वे ओ कदिया मिल सांवर यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे ओ कदियावद सावद यार वे ओ कदियावद सावद यार वे. Hey, 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 hey.
खास ना पास दे। मेरी जिंदड़ी हो उदास वे मेरा सांव आस ना पास दे। मुझे मिलना चार कहार वे मुझे मिलना चार कहार वे ओग दिया मिल सांव दिया बैक। अभी गाना हमने सुना और गाते गाते अली आपने क्या कमाल कर दिया। वो एक कहा जाता है कि मौसीकी रूह की गजा है और मेरे ख्याल में वो बजा है क्योंकि मौसीकी जब आप सुनते हो तो चाहे जितने आप उदास हो आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो आप बस बैठ के अपने फेवरेट सिंगर को लगा के आप वो सुनना चाहते हो आप खुश हो आप मौसीकी को एंजॉय करना चाहते हो। तो यहाँ पे जब मैं आपका गाना सुन रही थी तो ये हमारे जो गेस्ट बैठे हुए हैं सायरा जी और जवेरिया जी ये मुझे बोल रही थी कि भाई हमने भी सुनना है हमें भी गाना सुनवाएं सुनवाएं तो क्या आप उनको गाना सुनाएंगे? सूट इनसे अच्छे नहीं है। सूफी कलाम है पेश कर रही हूं कतनिया रूमाया एक सोना तू लगना है दूजा फेर भी तू माया वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच दावा माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच दावा लोका पाने मैं कत दी तंद तेरी आया दाते पावा माया तेरे वेखण नू कुकर दे ओले याद तेरी तू बाबो दे चरखे दी कुकर दे ओले याद तेरी तू बाबो दे विन माने मां गीत छिड़के कंध अरे हुलारे खावा निमाने मां गीत छिड़के कंध कत दी हुलारे खावा माया तेरे वेखण नू बसड़ नहीं दे सौरे पेके मैनू तेरे बैण पुले के बसड़
दस माया वे हुण सन दस माया तेरे बाजो किधर नू जावा माया तेरे देखण नू झुक चरखा गली दे विच डावा माया तेरे देखण नू झुक चरखा गली दे विच डावा माया तेरे देखण नू झुक चरखा गली दे कमाल 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 हो गया। शुक्रिया शुक्रिया। यकीन कीजिए यहाँ पे अली की आवाज़ थी और वहाँ मौसीकी थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि मौसीकार जो होता है ना वो खामोशी को बहुत अच्छे से सुनता है, और जब वो खामोशी को सुनता है तो खामोशी में जो तरतीब होती है तो वो अपनी धुनें उस पे बनाता है। क्या खूबसूरत धुने ऐसा लगता है कि वो जो आप गा रहे थे ऐसा लग रहा था वो आ रहा है हो रहा है वो कहीं हो रहा है, और मैं तो फील कर रही थी, मैं तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। लेकिन जवेरिया जो थी, जवेरिया मुझे कह रही थी कि एक गाना इनको बहुत पसंद है और वो सुनना चाहती हैं आपसे। हाँ बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे? जी जी प्लीज। मैं छोड़ा सुना दी। ओ दुखी लोग नहीं, बहुत खुश लोग बाय बाय ऐसे लगते हैं। उदासी मेरे ख्याल में कैफियत का ऐसा नाम है जिसके गाने हमें खुशी में भी अच्छे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इश्क जया ठग बाज न कोई, ठग लेता जोर ते गाने, अमीर गरीब वेदा नाही, ना वेदा मिसकीन निमाड़े। इश्क दे कुठड़े इंज टुर दे जिमें टुर दे मरीज पुराने, यार फरीदा जिथे अकला कदर भी जाने, ना दे जुदाई आ जावे माही, तक फिरा तेरा रा बिछोड़ा की बला, मैं रास्तों से पूछूं तेरा, एक अजनबी सा जो बन गया वो था मेरी धड़कन का पता, ना दे जुदाई आ जावे माही, तख्त फिरा तेरा रा बिछोड़ा की बिछोड़ा। बहुत शुक्रिया। ये बिछोड़ा ऐसा था कि
ऐसा हो गया। लेकिन इस विछोड़े के बाद हम छोटी सी लेंगे ब्रेक और वापस आएंगे तो कुछ नया सुनेंगे। ओके ओके। जब हम गए थे ब्रेक पे तो इतनी खूबसूरत आवाज हमने सुनी थी कि बस दिल कर रहा था सुनते जाएं, लेकिन खाना फिर बाद में गाना। तो खाना रेडी हो चुका है अनम, बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत से बर्गर्स के लिए। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब खाने की बात आती है तो सिंगर्स बहुत ही ज्यादा इस बारे में ना होते हैं कॉन्शियस होते हैं कि भाई हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आप भी कोई हैं ऐसे? और मैं थोड़ा ठंडे से खट्टे से परहेज करता हूं, और वैसे मैं देसी फूड लवर हूं ज्यादा। हमारे जो घरों में स्पेशली कुछ चीजें बनती हैं वो पसंद करते हैं, स्पेशली शोरबे वाली चीज़ें, वो सूप टाइप की, इस तरह की वो ज़्यादा खाते हैं। अरे वाह। सो मैं अपने तमाम गेस्ट से प्यारे प्यारे जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे, क्या उनसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आइए लीजिए। थैंक यू। और फिर बताइएगा कि कैसा बनाया है ना। थैंक यू सो मच। सर प्लीज़ नहीं नहीं प्लीज़ आप ले लेते हैं। और साथ साथ डिस्कशन मैं एंड पे खाऊंगी, मैं हमला करूंगी। आप प्लीज लीजिए। और मैं आपसे सर बीच में ये क्वेश्चन भी करना चाहूंगी कि जैसा कि हम सब जानते हैं गाना आया है आपका, सुना है मैंने यूट्यूब पे, बहुत मजे का, उसके बारे में बताइए। ये एक मेलोडियस और एक क्लब सॉन्ग है और प्लस एक रोमांटिक सॉन्ग है, और इसमें जो सारा एक टीम वर्क काम हुआ है इंटरनेशनली लेवल पे इसको किया गया है, जिसमें प्रीत हमारी जो मॉडल है वो इसकी लिरिसिस्ट भी है, उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने कंपोज भी किया है, एज अ मॉडल भी उसमें उन्होंने काम किया, प्रोडक्शन भी उन्हीं की है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह 1 मिलियन से ऊपर क्रॉस कर गया ये अभी 8 दिनों में ही, तो बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। ये सारा शूट दुबई में हुआ था इसका सारा, घुमाया था। तो मेरी कोशिश रहती है नई क्रिएटिविटी, नई चीज़ें करने की और नए स्टाइलों में करने की, और जिसमें हमारा ईस्ट और वेस्ट दोनों को रखा जाए करें। बिल्कुल जी ऐसा है। और अब जो है आखिर पे हम वो गाना सुने बगैर तो आपको जाने नहीं देंगे, ये हो ही नहीं सकता कि आपको जाने दिया जाए उस गाने के बगैर। लेकिन सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। साया जी बहुत शुक्रिया आपके इस खूबसूरत से, इन सब खूबसूरत से ट्रैक के लिए और मेरे खूबसूरत से ड्रेस के लिए। इसके अलावा बहुत शुक्रिया डॉक्टर जवेरिया कि आप हमारे साथ आई, आपने हमें बताया। और अनम थैंक यू सो मच, दे आर सो अमेजिंग, मैंने फ्राइज खाए हैं, दे आर अमेजिंग, बहुत शुक्रिया। और सर आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, आप बहुत कर रही हैं, मुझे दे रही हैं मान, मैं थैंक यू। नहीं, बिल्कुल सर, मैं बस एक मैसेज देना चाहूंगी कि आप गर्मी आए तो अपनी डाइट में ग्रीन्स ऐड करें, लाइक गो ग्रीन गो ब्यूटीफुल, क्योंकि आप जितना ग्रीन्स लेंगे और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे और बहुत बॉडी आपकी अच्छी रहेगी। और ऊपर से जो छोटी छोटी बीमारियां होती है ना, पेट में दर्द, पेट खराब, निजामे हाजमे के मसले, वो भी ठीक होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पुदीने वाली चटनी क्या है, ककंबर्स भी पुदीने वाली चटनी जो है बहुत जरूर इस्तेमाल करें, हर आजकल आई हुई है वो। हां हां बिल्कुल, अनारदाने वाली है ना। नेक्स्ट प्रोग्राम में ना हम आपसे टोटके भी लेंगे, मुझे लगता है आपको भी बड़े अच्छे टोटके आते हैं। तो अली जी आपके गाने से हम इख्तिताम करेंगे, और यहाँ पे मैं अपने जो देखने वाले हैं उनसे ज़्यादा चाहूँगी अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और आपकी समातें इस खूबसूरत आवाज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।